ब्रो कैसे हो। तो इस वीडियो का टाइटल मैंने रखा है कि व्हाई आई लेफ्ट यूट्यूब। एंड जैसे कि तुम्हें पता है कि एल्गोरो पर मेरे 3 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। एल्ग्रो एक टाइम का ऐसा सक्सेसफुल क्रिएटर जिसको मोस्टली यूट्यूब टिप्स का गॉड माना जाता था, बट प्रीवियस कुछ मंथ्स में कुछ ऐसा हुआ जिससे एल्ग्रो ने मोस्टली अपनी यूट्यूब कैरियर को रिस्क में ला दिया, जिसमें डिफेक्ट ऑफ अ डिकोडिंग वाईटी ऑन हिम, नेगेटिव इफेक्ट ऑफ अ पेड कोर्स प्लस इनकंसिस्टेंसी जैसे इम्पैक्ट को तुम्हें डीप में जानने को मिलेगा। तो फर्स्टली इसमें मैं बात करना चाहता हूँ एल्ग्रो की कुछ रिसेंट वीडियोस के बारे में। तो क्या लगता है एल्ग्रो की रिसेंट वीडियो से तुम्हें कुछ वैल्यूएबल जानने को मिला? तो आंसर इज ऑफ कोर्स नो, बिकॉज हिज लास्ट वीडियो अपलोडेड ऑन 21 मई 2023, यस 2 months पहले। बट why वो गायब क्यों है और मोस्ट इम्पोर्टेंट वेयर इज ही? तो इसको जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा सीधा 4 months पहले, जब एल्ग्रो का एक कम्युनिटी पोस्ट आता है ऑन लॉन्चिंग हिज अ प्राइवेट ऑन कोर्स, जिसे इतना ज्यादा टाइम बीतने के बाद भी आज भी लॉन्च नहीं किया गया। इवन टाइम टाइम पे उसके प्राइसेस में भी बहुत ज्यादा चेंज आया, लाइक 499, 299 and even 199 आल्सो। तो ये पॉइंट देखने में तो बहुत ज्यादा छोटा है, बट साथ में उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इससे सीधा इम्पैक्ट पड़ता है उन ऑडियंस के माइंडसेट पे जिनके लिए एल्ग्रो एक लॉयल और काइंड पर्सन था, जिन्होंने उसके कोर्स को प्री बुक किया था, उन्हें वो अभी तक प्रोवाइड हुआ ही नहीं। धीरे धीरे दे आर लूजिंग इंटरेस्ट एंड आल्सो एल्ग्रो की रिसेंट कोर्स की वजह से चैनल पे कोई वीडियो भी अपलोड नहीं हो पाई। तो इससे सीधा इंपैक्ट उसकी रीच पे भी पड़ा। हाँ, उसके नॉर्मली 200K से ऊपर ही व्यूज आते थे, वो डायरेक्ट आगे उसके 50K पे, बट फिर भी इतना ज्यादा डाउनफॉल कैसे? तो इसके पीछे सेकंड मेन रीजन है उसके प्रीवियस कुछ वीडियोस, जिनमें अप्रोक्स कुछ वीडियोस तो कंप्लीट प्रमोशनल वीडियोस थे। एंड अब ये मैं नहीं, एल्ग्रो खुद भी बोल रहा है, जैसे एग्जांपल विद दिस कम्युनिटी पोस्ट विद द टैग विदाउट स्पॉन्सर ही। तो क्या लगता है ये उसने ऐसे ही के लिए लिख दिया होगा? तो ये इंटेंशनली लिखा गया है बिकॉज इस पॉइंट का कहीं ना कहीं एल्ग्रो को भी रेग्रेट होगा ही, बट अभी भी कुछ ज्यादा हुआ नहीं था, बस कुछ रेगुलर वीडियोस एंड सब शॉर्ट हो सकता था। उसी टाइम एंट्री हुई मेरी जोकिंग डिकोडिंग वाईटी की, जिसने मार्केट में एल्ग्रो के कंटेंट की नीड को पूरा किया एंड एल्ग्रो के व्यूअर्स को अपना व्यूअर भी बनाया। एंड तुम लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन, क्या लगता है इफ एल्ग्रो इज देयर ऑन दैट टाइम डिकोडिंग वाईटी 100K इतनी जल्दी क्रॉस कर पाता? कमेंट्स बिलो। आई नो हिज स्किल्स एंड हार्ड वर्क, बट कुछ टाइम थोड़ा ब्रेन से काम भी लेना चाहिए, जो उसने एल्ग्रो की छोड़ी हुई चेयर पे बैठ के किया। बट यहाँ एल्ग्रो की एक मेन मिस्टेक भी है जो इन सबसे बहुत ज्यादा बड़ी है, जो है कोर्स बनने से पहले ही कोर्स की अनाउंसमेंट कर देना, जहाँ उसे एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट के साथ सब करना चाहिए था, बट उसने मे बी एन एग्जाइटी के साथ अनाउंस कर दिया, जिसका इफेक्ट ज्यादा नहीं इन टारगेट से ही देखने को मिल जाता है। तो आई एम न्यू हेयर, सो थोड़ा फीडबैक भी देते जाना ऑन माई वीडियो। आई एम गोइंग फॉर वर्किंग ऑन माई न्यू वीडियो, टिल देन